तो चलिए बेटा, आज इस एक्सरसाइज 16 डे का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 8 आई विल रीड इट फ्रॉम द बुक, यू जस्ट सी इट। अ वायर इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड विड्थ 15 सेंटीमीटर। वी हैव अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जिस वायर के का हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 18 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। दिस इज मेड ऑफ ए वायर। ओके, इफ ए चाय दिस वायर इज नाउ रिशेप्ड एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब इसको खोल दिया गया है ऐसे हाथ से, तो एक सर्कल बनाया जाता है इसी वायर का। What will be the length of wire, total length of wire in this rectangle? That will be equal to total length of wire in this circle. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी ये rectangle को हम खोलेंगे, जो ये suppose wire इतनी लंबी होगी, फिर इसी wire को bend करके ये circle बनाया जाता है। इसका मतलब है जो ये perimeter इसका है, वही perimeter इसका भी हो जाएगा। Find the radius of circle. तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी हैव व्हाट वी हैव हियर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज ट्वाइस 18 प्लस 15, विच इज ट्वाइस अर्धदशांश इंटू 33, दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, दिस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सर्कमफेरेंस कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 66। सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला है 2πr, इट इज इक्वल टू 66। This is 2 into 22 upon 7, the value of pi that we have to take always, into r is equal to 66. 2 into 22 means 44 divided by 7 into r is equal to 66. अब हमें r को find करना है, that is 66. कल भी मैंने आपको बता दिया है, जब आप ये fraction को transpose करेंगे, ये into में ही रखिए, लेकिन रेसिप्रोकल बना के 7 upon 44, 11 4s are 11 6s are, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो आर इज इक्वल टू 7 3s are 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, 21 upon 2 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। Now see question number 9, what it is. Question number 9 is, find the area of the shaded parts of the following figures. देखो बेटा, ये एक circle इसने बनाया है पहली फिगर में। इस circle का ये shaded part है, जिसमें ये दिखाया गया है, radius is 3.5 meter और इस part को shade की गई है। तो इस पार्ट को हम, जहां पर ये 90 डिग्री एंगल दिखाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं दिस इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। इन दिस फिगर द शेडेड पार्ट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 quadrant of a circle, that is 1/4 of circle, circle का चौथा हिस्सा। तो finally अगर हम circle related बात करेंगे, तो इस portion को हम sector B कहते हैं।
इट इज नोन एज अ सेक्टर, तो इसको सेक्टर बी कहा जाता है। तो फिलहाल आपके लिए 1/4 की बात हम करेंगे, क्वाड्रेंट की बात करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का 4th पार्ट। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और इनटू इसी का है 1/4, विच इज 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5। तो दो बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 7 1 7 0.5 35, तो हो गया यहां कंप्लीटली दिस इज 1/4 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। दैट मीन्स 3.5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपली आप यहां पर कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल बता दूंगा, 22 इंटू 0.5 मीन्स 22 हाफ कितने हो गए, दैट इज 11 इंटू, अब रह गया 3.5। सो 11 5 इज़ 55, 11 3 इज़ 33 एंड 5 हो गया 38, दिस इज 38.5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इसी तरह आप पार्ट नंबर बी जो इसी का है दूसरी फिगर, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। ये एक सर्कल बना है और इसमें शेडेड पोर्शन जो है ये हाफ है, हाफ ऑफ द सर्कल। इस हाफ ऑफ द सर्कल का रेडियस है 7 मीटर, जैसे मैंने ये किया वैसे ये भी आप करेंगे। तो इसका मतलब है इस एरिया का डबल ये आएगा। अगर ये आ गया 38.5 डिवाइडेड बाय 4, तो डबल करके इंटू 2 करना, दैट विल इसका आंसर आना चाहिए 38.5 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ही इसका डबल आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देन आफ्टर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। What question number 10 is? Let us check. A small metallic washer is of 7 millimeter radius. Small metallic washer. Washer tar bu to figure yes ka arth is panne kosher language mein bana washer. It is the washer. It is of radius 7 millimeter. With a hole 3.5 millimeter आप रेडियस, इसके बीच में एक होल है, अच्छा जोद मान जाता है वाशरस, इस होल का रेडियस है 3.5 और इस पूरी वाशर का रेडियस है 7 mm, इसका डबल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वाशर, तो ये हिस्सा जो है ना ये वाशर है, इस वाशर का एरिया मैंने निकालना है, दिस इज आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। मैं लिखूंगा इन द सॉल्यूशन आउटर रेडियस, उसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, दिस इज 7 मिलीमीटर। इनर रेडियस, इनर रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दिस इज 3.5 mm। देयरफॉर एरिया ऑफ वॉशर, तो वॉशर का एरिया आएगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यहां पर देखते हैं विच इज इक्वल टू आउटर एरिया पाई आर स्क्वायर, दिस द एरिया ऑफ सर्कल, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस द एरिया ऑफ सर्कल। पाई दोनों में कॉमन है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाकी रहता है। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू है 7 स्क्वायर माइनस इनर आर का वैल्यू है 3.5 स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इज 49 माइनस
3.5 square is 12.25, which is equal to 22 upon 7 into 49.00 को माइनस करेंगे 12.25, दहन पांच तो पांच, नवन जत सात, नवन आठन जत छः, चौर नक त्रे 36.75। तो 36.75 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, इधर आ गई 17, 7 ओ सॉरी 75 7 से इसको ये आ गया 17, 7 2 14, तो वहां से 2 निकले 3 निकले तो आ गया 35 75 35, दिस विल बिकम 5.25, इट इज 22 इनटू 5.25। देन आफ्टर यू विल कैलकुलेट हियर 25.25 रफली इंटू 22, 2 5 10, 2 2 4 15, 2 5 10, डेसिमल को छोड़िए भी 0501, 05511, डेसिमल दो के बाद 115.50 स्क्वायर मिलीमीटर्स। तो ये इसका एरिया आता है, एरिया ऑफ वॉशर। तो एरिया ऑफ वॉशर के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू चेक आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया में आपके लिए आता है रेडियस डिनोटेशन, और इनर एरिया में आएगा स्मॉल आर, उसके लिए कैपिटल आर और इसके लिए स्मॉल आर आता है डिनोटेशन के लिए के वैल्यूज। तो इस तरह से फाइनली इसका एरिया निकाला जाता है 115.50 स्क्वायर मिलीमीटर्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, दिस इज 11th क्वेश्चन। In a circular garden, diameter 150 meter. We have a circular garden इस तरह। इसका diameter यहां से है, यह हो गया diameter 150 meter. A pond is constructed in the form of a circle. बीच में एक pond है, circular form का pond with radius 20 meter. तो इस सर्कुलर पॉइंट का यहां से लेकर यहां तक जो ये रेडियस है ये 20 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड लेफ्ट आउट। अब बताइए इस लैंड का एरिया कितना होगा, अभी दिखा रहा था मैं, बिल्कुल आउटर माइनस इनर। तो आपने सॉल्यूशन में लिखना है वी हैव डायमीटर ऑफ, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर ऑफ गार्डन। तो गार्डन का डायमीटर हो गया 150 मीटर, देयर फोर रेडियस, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 75 मीटर बन गया रेडियस इस पूरे आउटर का। इनर रेडियस या रेडियस ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड का रेडियस कितना है, that is given 20 meter, therefore area of land left, जो बीच में लैंड रह गया उसका एरिया कितना आता है, it is outer area minus inner area, outer is pi r square, inner is pi r square, दोनों में pi common, इट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये थ्रू दिया आर स्क्वायर, ये थ्रू दिया आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ही ये कहता है कि पाई का वैल्यू लेना 3.14, तो पाई की जगह मैं 3.14 लिखूंगा। आर स्क्वायर माइनस 75 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, दिस इज 3.14 इंटू 75 स्क्वायरिंग करो, दैट नियर 5625, माइनस 20 स्क्वायर इज 400, दिस इज 3.14 इंटू
5, 6, 2, 5 minus 400, 5, 2, 2, 5, that is 5, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 5, and finally you have to calculate this and you will get the area of the land in form of square meters. This is question number 12. Now question number 13 and 14, these two questions will be homework for you, and I hope that you will do both the two questions. So that I will start now next topic, last chapter of the syllabus, that is data handling, which we call collecting and organizing the data. Thank you very much. Thank you for watching this video.